नमस्कार किसान भाइयों, आज हम उपस्थित हैं अमेठी ज़िले के ही पूरे दीवान गांव में गोरियाबाद में पहुंचे हुए हैं। तो इस गोरियाबाद में हम एक किसान जी से मुलाकात करेंगे और इनसे इनसे आपका परिचय भी बताएंगे आपको। कृष्ण कुमार यादव जी से बता दीजिए आप अपना परिचय। दादा कृष्ण कुमार यादव, जिला सुल्तानपुर, तो जिला अमेठी, थाना जामो और तहसील गौरीगंज जी, ब्लॉक जामो। और गाँव का नाम क्या है? गोरियाबाद। अच्छा, अभी तो एक किसान बता रहे थे इस गांव का नाम पूरे दीवान है। नहीं, तो हम गोरियाबाद के। अच्छा, आप गोरियाबाद के हैं, मतलब दीवान ये खेती लगती है। अच्छा, ये बात है। तो किसान भाइयों, आज हम इससे जानेंगे, आज एक नई खेती करते हैं, एक नई खेती जिसे आप लोग देसी खेती जानते हैं, जिसका नाम है ककड़ी, जिसको फूट भी बोलते हैं। आप ये फूट की खेती कितने दिनों से करते आ रहे हैं? ये 2 साल हो गया आपकी। 2 साल हो गया। हाँ। तो कितना उत्पादन प्राप्त कर लेते हैं इस खेती से? पिछले साल तो जो है कि माने पानी की बरसात हो गई, बाढ़ आ गए है। जी जी, बाढ़ है, पानी नहीं है, तो मान चलो कि 10-10 हज़ार तक पहुंच जाए। तो आपकी तो जो है शुरुआतें होती है आज पहले दिन। तो आप किसान भाइयों को ये बता दीजिए कि शुरुआत से इस फसल को कैसे बोएं और कैसे क्या करें? इसको जो है बोने के लिए, जैसे उड़द बोए या जो है कि भिंडी बोए या जो ना है कि जैसे जुनहरी बोए दिए, चेरी जिसको कहते हैं, या मक्का बोए, उसी में जो है मिला करके इसको। और जैसे अगर बोना है तो जैसे 1 हेक्टेयर या 1 एकड़ या 3 बिस्सा या 4 बिस्सा की ज़मीन में जैसे बोना है, तो उसमें मान चलो कि अगर 4 बिस्सा की ज़मीन में बोना है तो 50 ग्राम बिया। 50 ग्राम? हाँ, 50 ग्राम बिया बोना है। अगर 50 ग्राम से 25 ग्राम अगर बोए तो ज्यादा। जैसे एक बात बता दीजिए, जैसे किसान को इस मतलब ना तो मूंग के साथ बोना है, मतलब इंटरक्रॉपिंग नहीं करनी है, उसे अकेले में बोना है इसको, तो कैसे कितना बीज लगेगा? अकेले, जैसे अकेले में बोना है तो उसको क्यारी बनाना पड़ेगा। अच्छा, उसको क्यारी बनाना पड़ेगा, मान चो कि 4-4 मीटर की, 4-4 फीट की। हाँ, मीटर की। अच्छा, मीटर की, जैसे ये मीटर है, लाठी है। जी जी जी, ये 2 मीटर की है। जी, क्यारी और भाई मतलब कि 3 मीटर की क्यारी बनाना पड़ेगा। क्यारी बनाने के बाद में 1-1 मीटर पे ये बीज बोना पड़ेगा। हाँ, 1-1 मीटर पे बीज बोना पड़ेगा। तो मतलब अगर जितने बिरर रहेगी उतने हाई डबल कांकर होगी, डबल डबल की। और जैसे हाईब्रिड का अच्छा बिया पाएंगे तो अच्छा बिया होगा। तो आप कुछ वैरायटी के नाम जानते हैं क्या, जो आपको दी गई है यहाँ पे? भैया, हम तो जो है वहाँ से लाए नहीं, हम तो ये हमारे बगल मावा रहा है, तो कहीं कि हमारे यहाँ बोई रही है पार्सल जी, और बड़ी अच्छी बिया रहा, तो हम कहा तो कहीं बड़ी बड़ी होती, 2-2 मीटर के। अच्छा किसान भाइयों, हम आपको बता दें, जो ये फूट है, इसकी जो वैरायटियाँ हैं वो बीकानेर कृषि संशोधन संस्थान से जो निकली हुई हैं, NHS 4, NHS 16, 64 और 54, ये NHS की वैरायटियाँ हैं। आपको इन वैरायटियों का जो फूट है वो लंबा होता है, और दूसरी बात या गोल भी उसका मिल जाता है। NHS 4 गोल होता है। उसके बाद आपको सबसे मेन चीज़ जो है कि कम दिनों में ही फुटाव हो जाता है और अच्छे से इनकी उत्पादन मिल जाता है। लगभग ज़्यादा कितने दिन बोने के उपरांत ये मिलता है? मान चलो कि 2 महीना चलता है बोने के बाद। 2 महीना मतलब करीब 54 से 60 दिनों में उसका उत्पादन मिलने लगता है। मिलने लगता है। तो लगभग कितने रुपए तक का उत्पादन मिल जाता है अगर 1 बीघे की बात की जाए? जैसे 1 बीघे की बात की जाए तो मान चलो कि हम तो ज़्यादा बहन उत्पादन कर नहीं चुके, पास तो पूरा बराबर निकाल पाए नहीं, कैसे 1 बीघा तो हमारा है नहीं। मान चलो कि हमारा मुश्किल से 10 बीघा है कच्चा बीघा। तो कल तो हमने पिछले साल हमने 5,000 खाली निकाल पाए थे, पानी सब भर गया था, मतलब सब उतरान रही, सब सड़ गई हुई। और अब की तो अभी शुरू हुई, अभी कल शुरू किए हैं। जिसको एक इस फूट को ये कहा जाता है कि ये खाली सीजन की फसल है। जब रबी की कटाई आप कर लें, रबी की कटाई करने के उपरांत ये फसल बोई जाती है। लगभग आपने मार्च की समथिंग ये बोई होगी। मार्च में या अगर आपने बो दी है, मान लें अगर 20 मार्च को आपने फूट बोल दिया है, तो आप 20 मई तक इसकी तोड़ाई 100% शुरू कर देंगे और इससे एक अच्छा उत्पादन प्राप्त करेंगे। जैसा कि आप सुन चुके हैं, अभी इन्होंने बताया आपको सारी चीज़ें कि इसमें ना तो DAP की आवश्यकता है, ना यूरिया की आवश्यकता है, ये अपने आप से ही बढ़िया उत्पादन देती है। और देख पा रहे होंगे आप कि हमारे यहाँ सिंचाई भी नहीं हुई, आप देख रहे होंगे कि उर्द और मूंग के बीच में इन्होंने जो ये ककड़ी है फूट, इसकी सफल खेती कर रहे हैं इंटरक्रॉपिंग के माध्यम से। एक तरफ ये उर्द की खेती भी कर रहे हैं, उर्द से भी उत्पादन लेंगे, मूंग से भी उत्पादन लेंगे, और जो इनकी मेन फसल है, जो जिसके लिए बोते हैं, ये इनकी फूट है, फूट ये इनकी मेन फसल है, और मूंग को या मूंग और उर्द के बीच में इसको बो देते हैं। ये 4 मीटर तक इसकी लंबाई मतलब रखते हैं, बेड से बेड की दूरी अगर खाली स्थान पर लगाते हैं, और इंटरक्रॉपिंग में कम बीजे का इस्तेमाल करके अच्छा उत्पादन ले लेते हैं।
जी। और अब की बार एक बारिश भी नहीं हुई है, मानसून जैसा कि आप जानते हैं 18 जून के आसपास आएगा उत्तर प्रदेश में, तो उस हिसाब से इनकी फसल भी अच्छी खासी उपज दे के जाएगी। और दादा आप किसान भाइयों को क्या सलाह देना चाहेंगे कि वो इसकी खेती किस प्रकार करें? हम तो ये बता देना चाहते हैं कि जैसे अगर खेती करना चाहते हैं तो तरोई के करें, भिंडी के करें, करेले के करें जी, बोड़ा के करें। अब मई 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 के लास्ट और जून के, जून के बैंगन और ये तरोई की खेती आराम से की जा सकती है। अब क्यों नहीं, जैसे हमारे यहाँ ये भराव का है, जल भराव हो जाता है, इसमें ज्यादा मिक्सर आता है, जैसे अगर जल भराव ना हुए तो हमें लोगों का और फायदा मिले। मान चलो वहाँ तक सब पूरा पानी भर जाता है, यहाँ पे कोई निकासी नहीं है पानी जी। तो किसान भाइयों को आप अपना फल दिखा दीजिए, किस प्रकार का फल होता है दिखा देख ले, जो है एक एक मीटर का होता है और जो ना है जैसे कद्दू की जैसा होता है, दो तरह का होता है। अच्छा हाँ। कद्दू के जैसा गोल होता है या हाँ। एक एक फीट तक का फल होता है, और जैसे किसान भाइयों को एक एक मीटर का होता है। जैसा आप देख ही पा रहे हैं कि इस तरह के इनके फल हैं, ये आपके देखिए बढ़िया है, स्वस्थ फल हैं जिनमें ना तो कोई रोग है ना कोई कीट लगने की संभावना है, बढ़िया फल उत्पन्न होते हैं इन खेतों से। और आप अगर आप मतलब आप इंटरक्रॉपिंग में उर्द या मूंग में करना चाहते हैं तो आप फूड क्रॉप करके एक अच्छा उत्पादन भी ले सकते हैं। और चैनल पर जितने भी किसान भाई देख रहे हैं इस वीडियो को देखें और यह समझें कि इन्होंने किस प्रकार से उत्पादन कर लिया और किस प्रकार से अपनी जो आय है वो आय का स्रोत बढ़ाया, और उर्द मूंग से उत्पादन लेने के पश्चात ये इससे भी एक उत्पादन ले पा रहे हैं जो कि एक अच्छा इनके लिए वरदान साबित हुआ है। ये दादा आप कोई और फसल लगाते हैं क्या इसके बाद? इसके बाद धान लगाएंगे। अच्छा धान लगाएंगे, तो धान की बेरन जाहिर सी बात आपने कर दी होगी। तो किसान भाइयों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को फार्मर्स बिलीव को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर कमेंट करते रहें, इसी तरह से अन्य वीडियो आपको अच्छी अच्छी वीडियो प्राप्त होती रहेंगी। दादा आपको नमस्कार और जय हिंद जय भारत जय किसान।